सो स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू क्लास 10 का द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस। आप लोग ये पाठ पढ़ चुके हैं, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो ईपी बोर्ड में टच किए जाते हैं, उसकी तरफ हम चलेंगे आपको लेकर के, और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, दोहरा लें। और इसके लिए हम बहुमूल्य प्रश्नों को रखे हैं, आपको नोट करना है इन प्रश्नों को। द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिखा गया है हमारे द्वारा, इसे आप अच्छे से नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है, हू वाज एडिसन। देखें, हू वाज एडिसन एंड व्हाई He become famous। देखें, आपको पता है थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ही इज फेमस फॉर द इन्वेंशंस ऑफ ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वह ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए प्रसिद्ध हो गया था, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोट कर लेंगे इन प्रश्नों को आप, और जो भी वीडियो स्टूडेंट अपलोड किए जाते हैं इनको अवश्य आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए, और नीचे कमेंट्स भी किया करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल हमेशा बढ़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। आपको पता है एडिसन को स्कूल से बाहर क्यों निकाल दिया गया था। एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थाट हिम नटी एंड स्टूपिड बॉय। क्योंकि उसकी जो अध्यापिका थी वो समझती थी कि लड़का जो है काफ़ी शरारती और मूर्ख है, इसलिए उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका। देखें कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एडिसन पूरे अमेरिका में कैसे फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। द इन्वेंशन ऑफ ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब मेड हिम फेमस इन अमेरिका। तो ग्रामोफोन का जो आविष्कार खास करके किया था उससे पूरे अमेरिका में वह एडिसन प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, व्हाई डिड एडिसन प्रॉमिस टू दी व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू दी पीपुल ऑफ अमेरिका। एडिसन ने अमेरिका के लोगों को क्या वादा किया था। आपको पता ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान से क्वेश्चन है, आप कर ले जाएंगे। एडिसन प्रॉमिस टू दी पीपुल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। यही ने वादा किया था कि अगले 2 सालों में अमेरिका के लोगों को विद्युत बल्ब का प्रकाश दे देगा। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज एडिसन अवार्ड मेडल। मेडल से क्यों पुरस्कृत किया गया था एडिसन, आपको पता ही है, क्योंकि एडिसन अवार्डेड अ मेडल बिकॉज ही सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी उसने सेवा किया था अपने देश की, एडिसन ने सर्व्ड किया था, सर्व्ड मीन्स सेवा किया था। और ही मेड 40 वॉर टाइम्स इन्वेंशंस। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 40 आविष्कार किए थे, और इसलिए जो है उसे अवार्ड दिया गया एडिसन को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस थे, जिसको आप लिख करके इसको रिवीजन कर लें। यूपी बोर्ड में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 25 वर्ड्स में, और एक लॉन्ग क्वेश्चंस दिया जाता है आपके लिए, जो कि चैप्टर पर आधारित ही रहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें, तैयार कर लें। और इसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस और ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं, आपको लेकर के हम चलेंगे बुक में एक तरफ। देखें, यहाँ से सेलेक्टिव मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव क्वेश्चन से दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। देखें, बहुत इजी होते हैं। व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज सर्वेंट गर्ल,
जब एडिसन उस नौकरानी लड़की पर प्रयोग करने की कोशिश किया तो सी बिगन टू फ्लाई, सी बिगन टू ट्रेम्बल्स, सी फेल इल, सी बिगन टू रन। अब इसमें से कौन सा सही होगा? देखें, जैसे ही उस शरबत को दिया था तो बीमार पड़ गई, सी फेल इल, तो तीसरा सही है, सी वाला सही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज, क्यों उसकी पिटाई हुई? क्योंकि ही हैड स्मश्ड हिज एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडिसन्स फादर गिव हिम 25 सेंट्स पर एवरी बुक ही रीड बिकॉज, क्यों उसके पिताजी उसे पढ़ रहे जो है कुछ पैसे दिया करते थे, 25 सेंट्स। ही वॉन्टेड एडिसन टू रीड मोर, ये पहला ही विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, इट वॉज ये जो प्रश्न था एडिसन का कि पंख नहीं होते पतंग को और फिर भी उन्हें आकाश में हम उड़ा सकते हैं, इट वॉज एन इंटेलिजेंस आंसर, ये डाउटफुल आंसर, रॉन्ग आंसर, सिली आंसर, कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसका, ये देखें, एन इंटेलिजेंस आंसर, बड़ी ही चतुर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज, देखें कितना आसान है, बिकॉज ही वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हिज टीचर, यही क्वेश्चन सही होगा स्टूडेंट, बी वाला। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास द टीचर थॉट, तो अध्यापिका क्या समझी जब प्रश्न करता गया कक्षा में, तो द टीचर थॉट दैट द स्टूडेंट वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर, स्टूपिड एंड नटी, वेरी इंटेलिजेंट, एरोजेंट, कौन सा सही होगा, ये होगा स्टूपिड एंड नटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ, क्या उसे पसंद था मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, सी वाला सही है। देखें वंस अगेन इट, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये स्टूपिड एंड नटी, एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन है ये। देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइट शोन फर्स्ट टाइम अमेरिका में, पहली बार कब जो है विद्युत बल्ब प्रकाशित हुआ था, 1882, ए सही है। द टीचर थॉट द एडिसन वॉच, क्या सोची एडिसन कैसा था, स्टूपिड एंड नटी था, नहीं लेकिन टीचर ऐसा सोची, करेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट देखें, एडिसन डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1931, आप लोगों ने पढ़ा था। एडिसन सक्सीड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली, कितना प्रयोग करने के बाद वो सफलता हासिल की थी, देखें 2000 एक्सपेरिमेंट्स 1200 एक्सपेरिमेंट्स 1500 एक्सपेरिमेंट्स। देखें 1200 एक्सपेरिमेंट्स, सी वाला सही है। सिल्वर जुबली इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड, कब मनाया गया था, 1929 में। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन्वाइटेड एडिसन को कहाँ पर आमंत्रित किए थे, द व्हाइट हाउस। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न थे जो ईपी बोर्ड में आते हैं, और ये ट्रू फॉल्स स्टूडेंट, ये ट्रू फॉल्स देखें, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस को चेक करें, इवन इन ही चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, ये ट्रू है। द टीचर आस्ड हिज पेरेंट्स नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, द टीचर आस्ड हिज पेरेंट्स नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, ए देखे क्वेश्चंस फॉल्स है, टीचर ने तो बोला था कि बाहर ले जाओ, फॉल्स है। एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, ट्रू है। एज ए चाइल्ड एडिसन वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ए फॉल्स है। एडिसन वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, ए ट्रू है। एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवे, ए फॉल्स है। एडिसन वेंट टू शो हिज टेकिंग मशीन टू द प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन, ए ट्रू है। एडिसन वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल हिज गॉट द राइट आंसर, यस ट्रू है। एडिसन यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, यस ट्रू है ये भी। 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, ये भी ट्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, थॉमस एल्वा एडिसन वॉज जर्मन, गलत है।
एडसन वॉज अ डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट्स डेज, गलत है, फॉल्स है। एडसन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी फॉल्स है। एडसन वॉज बॉर्न इन कनाडा, ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप कर लीजिएगा ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट थैंक यू।